दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर एंड डीओपी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। अगर आप एक कैमरा लवर है, कैमरा से प्यार करते हैं और आप एक लाइफ में अच्छा कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर, डीओपी एंड फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपका काम आ सकता है। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर एंड डीओपी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर इंडिया टीवी। कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर एंड डीओपी, ये तीनों सुनने को तो एक जैसा लगता है, लेकिन एक जैसा नहीं है, कुछ भिन्नताएं हैं। बहुत लोग ये तीनों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरामैन किसे कहते हैं। कैमरामैन यानी कैमरा ऑपरेटर, जो सिर्फ जानता है कैमरा को कैसे ऑपरेट करना है, जो सिर्फ जानता है कैमरा में कैसे लॉन्ग शॉट लिया जाता है, जो सिर्फ जानता है कैमरा में कैसे मिड शॉट लेना है, जो सिर्फ जानता है कैमरा में कैसे क्लोज या टाइट क्लोज शॉट लेना है और ट्रॉली को कैसे यूज किया जाता है, जो ये सब चीज जानता है, हम इसको कैमरामैन कहते हैं। सिनेमाटोग्राफर की पोस्ट कैमरामैन से थोड़ा ऊपर होता है, उसको कैमरा का सारा सेटिंग पता होता है और थोड़ा बहुत लाइट का नॉलेज भी होता है। वो डॉक्यूमेंटरी शूट कर सकता है, सीरियल शूट कर सकता है, शॉर्ट फिल्म शूट कर सकता है और कमर्शियल फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है। तो ये सब चीज जो जानते हैं उसको कहा जाता है सिनेमाटोग्राफर। डीओपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। फिल्म डायरेक्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डीओपी का होता है। उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है। जब डायरेक्टर कोई सीन को समझाता है, उस टाइम डीओपी अपना दिमाग में सोच लेता है कि हमारा फिल्म का क्वालिटी, लुक एंड फील कुछ इस तरह आएगा, छोटे से भी छोटा सीन को हम कैसे बेटर ढंग से पर्दे पर लाएंगे। तो सबसे पहले उसको लाइट का नॉलेज होता है। शूटिंग के समय बहुत सारे लाइट यूज होता है, अलग अलग लाइट का अलग अलग काम भी होता है। कौन सा लाइट को कितने केल्विन पर रख के हम शूट करें उसको पता होना चाहिए, कैमरा का सारा सेटिंग उसको पता होना चाहिए और उसको रिजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो का भी पूरी नॉलेज होना चाहिए, ताकि शूटिंग से पहले कैमरा में प्रॉपर रिजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो वो सेट कर सके। ठीक उसी तरह APS, शटर एंगल, ब्लैक लेबल, व्हाइट लेबल, क्रोमा में कैसे शूट किया जाता है उसको ये सब चीज पता होना चाहिए। सिचुएशन के अनुसार एग्जैक्ट कलर पाने के लिए कैमरा में केल्विन को सेट करना पड़ता है। कौन सा सिचुएशन में कितने केल्विन कैमरा पर हम रखे उसको भी पता होना चाहिए। फिल्म शूटिंग के लिए इंडस्ट्री में जितने कैमरा यूज होता है, जैसे कि रेड एपिक, रेड ड्रैगन, ब्लैक मैजिक, आरी अलेक्सा, उसके बारे में और उसमें जो लेंस लगता है, सारे लेंस के बारे में उसको पूरी जानकारी होना चाहिए। कुछ कुछ कैमरामैन अपना नाम का पीछे डीओपी लिख देते हैं। वो समझते हैं कि डीओपी क्या मतलब होता है कैमरामैन, लेकिन डीओपी क्या मतलब होता है कैमरा का डायरेक्टर। जरूरी नहीं है कि डीओपी कैमरा को ऑपरेट करे। कुछ कुछ जगहों में डीओपी कैमरा को ऑपरेट करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। डीओपी का पोस्ट इसलिए होता है कि वो सिनेमाटोग्राफर को डायरेक्शन दे सके, और सिनेमाटोग्राफर का पोस्ट इसलिए होता है कि वो डीओपी का ऑर्डर को फॉलो करके कैमरा को ऑपरेट कर सके। अगर आप डीओपी बनना चाहते हैं तो कैमरा के बारे में, सारे लाइट के बारे में और जितने भी क्रोमा पर शूट किया जाता है, ये सब चीज के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। तो आज हम जाने कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर एंड डीओपी, ये तीनों में क्या अंतर होता है। आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।